तो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज फोर्थ एम्पायर, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज मैं दिल्ली में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाला हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण तेज रफ्तार से के साथ बढ़ने लगा है। पिछले 3 दिनों में लगातार दिल्ली में 500 से अधिक केस मिल रहे हैं, वहीं मरने वालों की संख्या 194 पहुंच चुकी है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 48% है। इस बात से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बता दूं आप लोगों को, सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के मरीज कोरोना को मात देकर बड़ी संख्या में ठीक हो रहे हैं। हमें अपने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पर गर्व है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा है कि डॉक्टरों और नर्सों की हमारी टीम पर बहुत गर्व है, जिन्होंने हमारे कोविड रोगियों को सर्वोत्तम उपचार प्राप्त प्रदान किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में जल्दी सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक होगी। एक पत्रकार ने भी की सराहना। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, एक पत्रकार ने सीएम केजरीवाल की सराहना करते हुए ट्वीट किया था कि दिल्ली आज लगभग 48% रिकवरी रेट दर है, ताकि अंत तक ये 50 तक पहुंच जाएगी। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सराहना की जानी चाहिए। दिल्ली का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। बता दूं दोस्तों आप लोगों को, दिल्ली में अब तक 5,500 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना संक्रमित के। बता दें दोस्तों आप लोगों को, दिल्ली में गुरुवार को महज 24 घंटे के अंदर 571 नए कोरोना मामले सामने आए। ये एक दिन के मिलने वाले कोरोना मामलों में से सबसे अधिक आंकड़ा है। दिल्ली में इसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,659 हो गई। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5,567 पहुंच गई। वहीं इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या 5,898 है। दिल्ली में अब तक 154,385 सैंपल कोरोना की जाँच हो चुकी है। वहीं यहाँ पे कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 64 हो गई है। कोरोना से ठीक हुए मरीज के दोबारा पॉजिटिव आने पर नहीं होगा संक्रमण का खतरा। ये बहुत अच्छी खबर भी दोस्तों सामने निकल कर आ रही है दिल्ली से। तो आज की ताजा खबर में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए पीस आउट।